नालागढ़ बाजार त्योहारों के चलते वाहनों की आवाजाही के लिए कुछ दिनों के लिए दिन के समय बंद रहा करेगा। इसकी जानकारी एसडीएम नालागढ़ राजकुमार ने दी है। एसडीएम नालागढ़ ने बताया कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रोपड़ तथा कालका चौक से मुख्य बाजार नालागढ़ तक प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अस्थायी रूप से नो पार्किंग जोन के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इस अवधि में उक्त स्थानों पर आपातकालीन वाहन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन को खड़ा नहीं किया जा सकेगा और आदेशों के अनुसार फुटपाथ और बाजार क्रॉसिंग क्षेत्र में दुकानों व व्यवसायों द्वारा अतिक्रमण कर सामान लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे। उन्होंने कहा कि त्योहार के सीजन में दुकानदार और खरीदार को समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए यह नियम बनाया गया है। यहाँ त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो रहा है और इसके अंतर्गत जो बाजार है हमारा ट्रैफिक चौक और बर्फानी चौक तक, इसको सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक व्हीकल्स के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि त्यौहार के सीज़न में जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, दुकानदार भी अपना सामान बेच रहे हैं, उनको समस्या ना आए। तो लोगों से, यहाँ के जो लोग हैं नालागढ़ के, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी प्लानिंग इस तरह से करें कि उनको भी कोई असुविधा ना हो। उज्ज्वल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्रोवर होटल कांगड़ा।